किसान भाइयों, यह फोर ट्रैक्टर बिकाऊ है भाइयों। 93 मॉडल है ये, आरसी में अच्छन सिकंदर के यहाँ मीनाक्षी चौक मुजफ्फरनगर, इसमें पेंट कराया हमने। 8 महीने हो गए इसे, 8.5 महीने हो गए करीबन। इसका हमने इंजन की कमी निकलवाई, गियर बॉक्स की, हाइड्रोलिक की, पहियों के चिक कम कराए, अगले पहियों के बैरिंग बदलवाए, ग्रीस व्रीस कराया। इसकी बॉडी कहीं से भी वेल्ड नहीं है, ये देखे बम से बिल्कुल ओरिजिनल जो कि तुम, कोई भी चीज़ ये बैटरी बॉक्स नया डलवाया, पहले तो लुटनी था 3 इंचे का। ये कपड़े ढक रखे थे, इसके ऊपर भी तारे मैंने, थोड़ी धूल जम गई ट्रैक्टर पे। ये बहुत अच्छा पेंटर है मुजफ्फरनगर में, उसके पास कराया हमने अच्छा सिकंदर के यहाँ। कहीं से भी बॉडी क्रैक नहीं है इसकी, बहुत गजब है ट्रैक्टर। ये देखिए इस पे भी कोई चोट लगी नहीं है, गोली वोली सब ओरिजिनल है भाई। हमने नए टायर की भाई, ओरिजिनल बिल्कुल, चारों लोकल काम पसंद नहीं है हमें। ये देखिए कोई पिटी हुई नहीं है इसकी, ये बजा बजा हथौड़े पिट रखे हैं, MRF के टायर हैं, MRF शक्ति के टायर हैं अगले। और मैं पिछले भी दिखाता हूँ आपको, गाड़ी आड़ी खड़ी है यहाँ, ये भी MRF SSKTI शक्ति 13/6/28 के टायर है भाइयों, बिल्कुल ओरिजिनल टायर हैं, कोई धोखे वाली बात नहीं है। स्टीयरिंग वगैरह मीटर सब नए हैं, नया ट्रैक्टर 48 HP का, 8-9 लाख का रहा कंपनी का भाइयों। हिच भी नया लगवाया हमने इसका, पुराना सामान भी दिखाऊंगा, लिफ्ट पट्टी सब ओरिजिनल है, कोई इसमें वेल्ड नहीं है, पुरानी चीज़ नहीं है। हैदराबाद पट्टी हमने मैसेज डाला, किन्ने भी डाल के देंगे, अभी टाइम नहीं मिला लाने का। पुनीत की वाइफ एडमिट हो गई थी, इसलिए चक्कर में नहीं पड़ पाए हम। जिस दिन मुजफ्फरनगर जाएंगे वहाँ से ले आएंगे बेड से। एक ये PTO का टोपी से आती है वो ढकना था, एक टोपलिंग, ये 3-4 चीज़ है। इसके मरघाट के पटंडे बैठने के सवारी के भी लगन लाने हैं हमें भाई। ये बेचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये खड़ा है मैसी, अपना मैसी 245 DI है भाई। इसके पटियाले भी 90 हैं देखो, वैसे तो कहने को तो 8 साल लग गई है, अभी 1100 घंटे चला है भाई ये। ये तो भाइयों हमने फोटो इसलिए लिया है, कई बार चीज़ अच्छी मिल जाती है। मैं आपको बताऊं भाइयों, हिमालय कहीं जा रहे हैं वीडियो बनाना है, कोई चीज़ अच्छी मिल गई तो वो उसको सौदा कर लेते हैं। हमने कभी कबाड़ नहीं खरीदा आज तक का रिकॉर्ड है। जो भी किसान हमसे ट्रैक्टर ले गया वो खुश है, तारीफ करता है, उसने कभी ये निकाह के ताऊ जी मुझे उस चीज़ ने नुकसान दिया। भाइयों हम इस पर कपड़ा ढक देते हैं। रही बात पैसे की, देखो पैसे जो उसमें लगा हमारा खर्चा है वो तो हमें लेना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। ये तो सौदा है नहीं कि कबाड़ी की छान पर ठा लाए भाइयों। हमने चालू खरीदा था, इसमें और पैसे लगाए हैं,
इसे बहुत प्यार से बनवाया नंबर एक में। ज़बरदस्ती ये भी नहीं है कि कोई ले ही ले जाए, नहीं लेगा तो को ऐसी को मरमरू नहीं आ रही, इसे बेच ही देंगे, खड़ा रहेगा घरों। शौक इन्नी का ट्रैक्टर है, शौक से बनवाया, शौक से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके एक दाम जो देने गए हैं 3.5 लाख रुपये हैं, क्योंकि इसमें खर्चा आ गया इतना है, हम प्रॉफिट नहीं ले रहे बिल्कुल भी, हमारे जो लगा है वो ही निकलवा रहे हैं। सौदा करने की बात नहीं है भाइयों, आप ले कर बनवा के देखो, रास्ता मैं बता दूँगा कहाँ कहाँ बनेगा, किस मिस्त्री रहा, हालांकि हर आदमी जानता है अपनी तरीका। तो भाइयों हमारे पास एक तो ट्रैक्टर ये हो गया, इतने बड़े फार्म नहीं है, दूसरा 45 हो गया, और तीसरा मैं और दिखाता हूँ, एक और खड़ा। भाइयों महंगाई बहुत आ गई, कोई चीज़ बात नहीं दे देता, कंपनी वाले साल भर में 3 बार रेट बढ़ा दे अपने, लेकिन किसान की मजबूरी है, नगद लेगा या बैंक का लोन कराएगा, लेना पड़ता है भाइयों। तीसरा ये है हमारा, इतने बड़े फार्म ने जो 3-3 ट्रैक्टर रख लें, ये तो आप लोगों की सेवा के लिए ले रखा है। ये 2001 मॉडल है, ये बोतल से इसलिए टांग रखी, इसके फीड पंप का टप्पे पड़ते हैं डीजल के, फील्ड पंप की वो वाशर कट रहे हैं सील के, टाइम ही मिला जाने का सतेंद्र के यहाँ तक, जिस दिन मौका लगेगा उस दिन करा के ले आएंगे, और कई चुटर पुट रहे हैं अभी शायद लेने गए हम। ये तो हम इसलिए नहीं बेच रहे क्योंकि एक बुग चाहिए हमें गोबर तारने खाने को, न्यार लाने को। भाइयों ये भी है तीसरा, अगर कोई से ले लेगा सद्य का कुट्टी भर रही इसमें, सद्य में इसी को ले लेगा, ये 2001 मॉडल है, इसके 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, इतना पड़ रहा हमें। तो फिर हम फोर्ड को नहीं बेचने के, फोर्ड को फिर बुग्गी में छोड़ देंगे। भाई ये तीनों ट्रैक्टर 3-3 सिलेंडर है, सद्य में इससे भी 3 सिलेंडर है, 45 भी 3 सिलेंडर है, फोर्ड भी 3 सिलेंडर है, गाड़ी भी 3 सिलेंडर है हमारी, संयोग की बात है। ये अंश ने ढक दिया था, जितने से घंटे गिरे जितने उतने काम निपटा है, ठाली खड़ा है, ढकने का काम नहीं चलता। भाइयों हमें कोई पैसा नहीं कमाना, हमें तो चीज़ बढ़िया देनी, ताकि आप हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे ये वीडियो देखते रहें, आप चीज़ को याद रखें। जितने भी ट्रैक्टर हमने बेचे आज तक, किसी भाई ने हमें ये कमेंट में निकाल तब ने हमें ठग लिया, हम सही रेट पे चीज़ लगाते हैं। पंजाब में 2 लाख के मिल जाते हैं, बहुत से मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं मालिक को जान देते, सेकंड के टायर डालते हैं, और भाइयों मार्केट से कबाड़ी में पुराना सामान ला कर बांधते हैं, और किसानों कहते हैं कर ले जा, और जो बढ़िया मॉडिफाई करते हैं तो उसके बहुत पैसे लेते हैं, वे तो उनके वे हैं जो बना के बेचते हैं, तुरंत जाओ ले आओ, उनमें चालू सामान डालते हैं, वो कैसा काम करते हैं वो तो आपको ला के ही पता लगेगा। हम तो एक एक सामान लाए, मेरठ से लिया, मुजफ्फरनगर लिया, हर चीज़ का रेट आप जानते, कोई भी पार्ट्स खरीद लो कोई सस्ता सामान नहीं मिलता, महंगा सामान मिलता है भाइयों। दिल खोल कर पैसा लगाया, ना बिकेगा तो घरों खड़ा भी अच्छा लग रहा है, सुबह उठते नज़र इस पर जाती है मेरी, तो मुझे तो अच्छा लगता है खड़ा, मैं सोता हूँ तो कब पे भाइयों मेरी उठते निगाह इस पर जाती है, सुबह बहुत सुंदर लगता है। भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, नमस्कार।